मेरा नाम डॉक्टर उदय भौमिक है और मैं गीतांजलि मेडिकल कॉलेज और चिकित्सालय में चीफ न्यूरो सर्जन के पद पर कार्यरत हूँ। आज 8 जून को प्रतिवर्ष की भांति वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य मरीजों में ब्रेन ट्यूमर के प्रति अवेयरनेस पैदा करना है। ब्रेन ट्यूमर के लगभग 500 केसेस प्रतिदिन पूरे विश्व में डिटेक्ट किए जाते हैं और बच्चों में पाए जाने वाले सबसे अधिक कैंसर ब्रेन ट्यूमर ही होते हैं। और जब कोई कोशिका अनियंत्रित होकर ब्रेन में गांठ का रूप धारण कर ले, उसे ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। अधिकांश केसेस में ब्रेन ट्यूमर का कारण का पता नहीं चल पाता है, फिर भी रेडिएशन एक्सपोजर जैसे कि अत्यधिक मात्रा में सीटी स्कैन कराना या एक्सरेज करवाना या इन्फेक्शन का खतरा होना, ये एक महत्वपूर्ण कारण बनते हैं। फैमिली हिस्ट्री भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिन मरीज के माता पिता या निकट परिजन भाई बहन सगे संबंधी में ब्रेन ट्यूमर होते हैं, उनके अंदर ब्रेन ट्यूमर की संभावनाएं बढ़ जाती है। अधिकतर केसेस के अंदर जो है मरीजों के अंदर सिर में दर्द होना, मिर्गी के दौरे पड़ना, चिड़चिड़ापन होना या फिर बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेस होना, जैसे कपड़ों में मलमूत्र का त्याग कर देना अचानक से या भूल जाना, मेमोरी लॉसेस का होना, ये सब मरीजों में चलने फिरने में दिक्कतों का आना, ये मुख्य लक्षण होते हैं। बच्चों के केसेस में ब्रेन ट्यूमर में सर के अंदर जो तालू होती है, इस तालू में सूजन आ जाना या दिमाग में अनावश्यक रूप से पानी का भर जाना, ये भी कुछ माताएं जो है वो बच्चों में डिटेक्ट कर लेती हैं और करके ब्रेन ट्यूमर के लक्षण के आधारों पर हम लोग उनका इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। मरीजों में जब इस तरह लक्षण पाए जाते हैं तो उनको MRI या CT स्कैन के द्वारा उनका डायग्नोसिस किया जाता है, जिसके अंदर सटीक जानकारी प्राप्त कर ली जाती है और उसके बाद में मरीज का उपचार चालू कर दिया जाता है। सर्जरी ही इसका एकमात्र विकल्प है। सर्जरी के पश्चात मरीज की जो गांठ निकली थी उसकी हम बायोप्सी करवाते हैं और बायोप्सी के आधार पर उसको रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी अथवा दोनों मिलती है। आज वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे पे मेरा मैसेज ये है कि अगर समय रहते ब्रेन ट्यूमर का डिटेक्शन कर लिया जाए तो सर्जरी के परिणाम काफ़ी उत्साहजनक रहते हैं।